नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कोरोना। अरे सुनो ना, क्या है, क्यों नींद खराब कर रहे हो सुबह सुबह? तुम्हें कुछ बताना था, बस इसलिए बोल रहा हूँ। अपनी आंखें नम करते हुए और होठों की हंसी को छुपाते हुए चिड़े ने कहा। बोलो क्या बात है, जल्दी बताओ। मुझे अब भी नींद आ रही है, चिड़िया ने कहा। रात को तो ये इंसान समय से नहीं सोने देते, पता नहीं कब रात होती है इनकी। आधी रात तक तो खाना वाना ही चलता है इनका, और फिर सुबह तुम ना तो खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो, चिढ़ते हुए चिड़िया ने कहा। इसी सिलसिले में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर तुम तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो, चिड़े ने रूठते हुए कहा। अच्छा बाबा, लौट गई मैं, अब बोलो क्या बात है, क्यों हो तुम इतने खुश, मुझे भी बताओ, चिड़े ने बोलना शुरू किया। जैसे कि तुम्हें पता है, मैं हर रोज़ सुबह घूमने जाता हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, इसमें कौन सी नई बात है, आगे कहो। आज जब मैं बाहर निकला तो अजीब सी शांति थी चारों ओर, ना गाड़ियों का शोर, ना भोपू की पोपो, ना इंसानों की चिल्लाहट, ना गुस्सा, ना झल्लाहट। हर दिशा में शांति पसरी हुई थी। माना कि पेड़ बहुत कम हैं हमारे आसपास, फिर भी कितनी साफ, कितनी स्वच्छ प्राणवायु बह रही है बाहर, तुम विश्वास नहीं करोगी। एक बार तो सांस लेने पर लगा मैं किसी और स्थान पर पहुंच गया हूं, या फिर कोई सपना देख रहा हूं। फिर मैंने अपने आप को हिचकोटी काटी तो खुद को यहीं पाया, और फिर धीरे धीरे मुझे खुद पर विश्वास हुआ। पता नहीं कितने दिनों के बाद आज मैंने ये शांति महसूस की है। इस पर चिड़िया ने कहा, तुम तो निरे बुद्धू हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, आजकल एक इंसानों को एक नई बीमारी कोरोना लग गई है। इसी से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। इस वजह से सब इंसान घरों में ही रहते हैं, क्योंकि इस बीमारी का संक्रमण तेज़ी से फैलता है और आसपास के लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। सबके घरों में रहने के कारण ही तुम्हें सब कुछ ऐसा लग रहा है। सड़कों पर इंसानों के बगैर गाड़ियां भी नहीं हैं, और ना ही उनसे होने वाला ध्वनि और वायु प्रदूषण, चिड़े ने अजीब भाव बनाते हुए कहा। अच्छा तो ये बात है, कहती तो हूँ तुमसे रोज़ ही, तुम भी अखबार पढ़ने की आदत डाल लो, पर नहीं, तुम तो सुनते ही नहीं, इसी से तुम्हें देश दुनिया की खबर भी नहीं रहती। मैं तो भगवान से इन इंसानों के लिए भी दुआ करती हूँ कि सब इस बीमारी के जंजाल से जल्दी ही बाहर निकलें, और इस बीमारी के बहाने थोड़े सुधर भी जाएं, अपनी जड़ों की तरफ लौट आएं, और हमारा और प्रकृति का ध्यान रखें। इस बात पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।